फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं 1947 का समय होता है और वहाँ पर एक घर को दिखाया जाता है। वो एक सुनसान घर होता है, वहाँ पर आसपास कोई घर नहीं होता। उस घर में एक छोटी लड़की और पॉल नाम का डॉग रह रहा होता है। वहाँ पर एक स्पेसशिप आकर क्रैश हो जाती है और उस हादसे में उस डॉग की मौत हो जाती है उसके नीचे दबकर। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। USA में ग्रैमी और क्लाइव नाम के दो आदमी आए होते हैं कॉमिक कॉन देखने के लिए। वो वहाँ के फेमस कॉमिक कॉन राइटर का ऑटोग्राफ लेकर अपने होटल में वापस आते हैं। वहाँ पर वो खाना खाने के लिए पिज्जा मंगाते हैं और वो पिज्जा खाकर अगले से वो अपने टूर पर निकलते हैं। वो दोनों वहाँ पर आए हुए होते हैं और वो रास्ते में एक होटल में जाकर खाना खाते हैं। वो दोनों हंस रहे होते हैं तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। उन्हें लगता है कि वो दोनों उन पर ही हंस रहे हैं तो वो उनको डराने की कोशिश करता है, पर वो दोनों ग्रैमी और क्लाइव वहाँ से भागते हैं और अपनी रेंट पर ली हुई बस से वो दोनों की कार ठुक जाती है और वो दोनों उस कार को बिना देखे वहाँ से चले जाते हैं। वो एक जगह रुककर फोटो खींचने लगते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि एक कार उनकी तरफ बहुत तेजी से आती है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं कि वो उन्हीं आदमी की कार है। कार ठोकने की वजह से वो उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं तो वो दोनों बस में बैठकर वहाँ से तेजी से निकलने लगते हैं और वो कार तेजी से उनके पीछे से आगे निकल जाती है और सामने ही उसका एक्सीडेंट होता है। वो दोनों एक्सीडेंट की जगह जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ से एक एलियन आता है और एलियन को देखकर क्लाइव वहाँ बेहोश हो जाता है और ग्रैमी उससे बात करता है कि तुम कहाँ से हो। वो एलियन ग्रैमी को बताता है कि मैं मुसीबत में हूँ, मेरा कोई पीछा कर रहा है, यहाँ से मुझे जल्दी से ले चलो। वो मान जाता है और क्लाइव को गाड़ी में बिठाकर वो तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है, उस एक्सीडेंट वाली जगह एक अफसर आया हुआ होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उस अफसर को कॉल आता है एक लेडी का। वो लेडी अननोन है, उसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया, पर उसके बारे में मूवी में हमें आगे पता चलेगा। वो लेडी उस अफसर को बताती है कि तुम्हारे साथ दोनों ही साथी जोड़ दिए हैं तुम्हारी मदद के लिए और उस एलियन को जल्दी ढूंढो। वो अपने ग्रह से कॉन्टेक्ट न कर पाए, ऐसा कहते ही फोन काट दिया जाता है। और फिर दूसरी तरफ क्लाइव को होश आता है। वो उठने के बाद सीधा उस एलियन पर अटैक करने लगता है। फिर ग्रैमी उसे बताता है कि वो अच्छे एलियन है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस एलियन का नाम पॉल होता है। और फिर दूसरी तरफ उन अफसरों ने नाकाबंदी कर दी होती है सभी रोड पर जाने वाली गाड़ियों की तलाशी लेने के लिए, और उनकी गाड़ी उन अफसरों के पास आकर रुक जाती है और उसके बाद वो अफसर उनकी बस की तलाशी लेने लगता है, पर उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। बस क्लाइव की सुसू करी हुई पैंट मिलती है तो उन्हें वहाँ से छोड़ दिया जाता है। क्लाइव और ग्रैमी को लगता है कि उन्हें सपना आ रहा था एलियन का कि वो उनके साथ है, पर पॉल बस की सीट पर ही बैठा होता है और वो विजिबल हो जाता है। दरअसल पॉल की एक तकनीक होती है, इनविजिबल होकर उन अफसरों से बच गया होता है। फिर अगली सुबह वो अफसर नाकाबंदी कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर उनका एक बड़ा अफसर आता है और उनसे पूछता है कि तुमने सभी गाड़ी की अच्छे से तलाशी ली थी, तो वो दोनों हाँ बोलते हैं और वो बताते हैं कि कल रात यहाँ से एक ट्रक गुजरा था। बस एक आदमी की सूसू करी हुई पैंट मिलती है तो वो अफसर समझ जाता है और उन दोनों को उस बस का पीछा करने के लिए कहता है। वो एलियन ग्रैमी क्लाइव सभी मस्ती कर रहे होते हैं, सभी खुश होते हैं और एक जगह पेट्रोल डालने के लिए जाते हैं पेट्रोल पंप पर, और वहाँ से पेट्रोल डालकर कुछ सामान खरीदते हैं स्टोर से। और सामान खरीदते ही वहाँ पर एक जनरल पुलिस ऑफिसर आता है तो वो दोनों बहुत डर जाते हैं कि उस पुलिस वाले को कहीं पॉल ना मिल जाए, इसलिए वो जल्दबाजी में $5 उस स्टोर वाले को रखने के लिए कहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से वो सब जाने के बाद अफसर लोग आते हैं और उस स्टोर वाले से पूछताछ करते हैं, क्या तुम्हारे पास दो कोई अजीब आदमी आए थे? तो वो स्टोर वाला बताता है कि दो लोग आए थे, उन्होंने मुझे जल्दबाजी में $5 ज्यादा दे दिए थे और वो आदमी उस लेडी से बात कर रहा होता है। आपको वो एलियन जल्दी ही मिल जाएगा, ऐसा बोल रहा होता है। वो दो अफसर होते हैं तो उनमें से एक अफसर दूसरी गाड़ी में बैठा होता है, उन दोनों की रेडियो पर बात सुन रहा होता है। उसका शक यकीन में बदल जाता है कि वो कुछ अजीब ही ढूंढ रहे हैं। दरअसल उन दोनों को अभी तक पता ही नहीं होता कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। फिर दूसरी तरफ ग्रैमी और क्लाइव को दिखाया जाता है। रात होने वाली है इसलिए वो एक होटल में जाकर रुकने की सोचते हैं और पॉल उन्हें एक होटल का एड्रेस बताता है। सब लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर एक लड़की होती है, उसका नाम रूथ होता है, और वो उन दोनों के पासपोर्ट ले लेती है। एक रात के $25 खाने पीने के साथ बताती है और उन दोनों के पासपोर्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रात को पॉल क्लाइव और ग्रैमी डांस कर रहे होते हैं
और उनकी परछाई रूथ देख लेती है, पर उनके पास नहीं जाती। अगली सुबह उनसे पैसे लेने के लिए उनके पास जाती है, तो वो उन्हें बताती है कि तुम्हारा तीसरा दोस्त कहाँ है। ग्रैमी और क्लाइव बताते हैं कि हम दो ही हैं। वो कहती है कि कल रात मैंने तुम तीनों को नाचते हुए देखा था। तो पॉल बाथरूम में छुपा होता है, उसके आने की वजह से वो बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ। रूथ उन दोनों को बताती है कि क्या तुम दोनों भगवान में विश्वास करते हो, तो वो मना कर देते हैं। रूथ बोलती है कि भगवान होते हैं, तो वो दोनों बोलते हैं नहीं होते। पॉल बाथरूम से कहता है कि भगवान नहीं होते, हम सब बस एक केमिकल रिएक्शन की वजह से पैदा हुए हैं। जल्दबाजी में वो बाथरूम से बाहर आता है और रूथ उसको देखकर बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तो वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और पॉल इनविजिबल होने वाली पावर से उसके ऑफिस में जाता है और उन दोनों के पास बुक लेकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी उसके डैड उसे वहाँ पर देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और जाते समय पॉल का एक स्केच रूथ के डैड के पास ही गिर जाता है। रूथ को अगवा करने के बाद रूथ के डैड पुलिस वाले को फोन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाते हैं। पुलिस वाले की जगह गवर्नमेंट के अफसर आते हैं जो पॉल का पीछा कर रहे थे, वहीं वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रूथ का एक फोटो लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ रूथ को होश आता है और वो उन सबसे बहस करने लगती है कि भगवान होते हैं, तुम कोई एलियन नहीं हो, ऐसा पॉल को बता रही होती है। तो फिर पॉल अपने दिमाग से रूथ के दिमाग में एक देश बनाकर अपना सारा ज्ञान उसे दे देता है और उसे यकीन हो जाता है कि धरती को भगवान ने नहीं बल्कि वो केमिकल रिएक्शन की वजह से बनी है। तो रूथ की एक आंख खराब हो गई थी, पॉल उसे अपनी आंख से रिप्लेस कर देता है और उसे एक नई आंख दे देता है जिससे पॉल की एक आंख खराब होती है। पॉल के पास हीलिंग इफेक्ट होने की वजह से पॉल की भी आंख ठीक हो जाती है और वो सब खाना खाने के लिए एक होटल पे जाते हैं। वहां पर जाने के बाद रूथ अपने डैड को फोन लगाती है और वो फोन लगाने के बाद दूसरी तरफ वो अफसर होते हैं जो एलियन के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। वो रूथ की लोकेशन निकालते हैं। रूथ फोन कट करके वहां से निकलने लगती है। वो दो आदमी रूथ को छेड़ने लगते हैं। ये वही आदमी होते हैं जिनकी गाड़ी ग्रैमी और क्लाइव ने ठोक दी थी। रूथ भागते भागते वहां से ग्रैमी और क्लाइव के पास जाती है। वो दोनों आदमी ग्रैमी और क्लाइव को मारने लगते हैं कि तुमने हमारी गाड़ी ठोकी है। वो सब लोग वहां से भागने लगते हैं और गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। पॉल गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उन दोनों को पॉल दिखता है जिससे उन्हें कुछ अजीब दिखता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। रूथ उन सबको बताती है कि मेरी लोकेशन उन अफसरों ने निकाल ली है और अब हमें भागना चाहिए। पॉल कहता है कि कोई बेवकूफी होगा जो भागेगा, इसलिए थोड़ी दूर जाकर ये गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहता है। और फिर सब खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है, वहाँ पर अफसर घूम रहे होते हैं, रूथ से भी पूछताछ कर रहे होते हैं। रूथ के डैड ने रूथ की जो फोटो दी थी वो बचपन की फोटो होती है और रूथ की अवेक अब ठीक भी हो गई होती है, इसलिए वो अफसर रूथ को पहचान नहीं पाता। ये सब पूछताछ हो रही है, ग्रैमी और क्लाइव पीछे से देख रहे होते हैं और वो छुपने के लिए कॉमिक की दुकान में जाते हैं। और जो अफसर थे दो पूछताछ करने के बाद कॉमिक की दुकान में जाते हैं। उन्हें वहाँ देखकर पॉल पुतले जैसा बन जाता है। वो अफसर पॉल को पहचान नहीं पाता और उसे हाथ लगाता है, तो पॉल कहता है भाग भूतने की, और वो अफसर डर कर बाहर आ जाता है और उनका अफसर जहाँ पर गाड़ी के पास खड़ा होता है वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अपने बड़े अफसर से कहता है कि हमें एलियन के बारे में पता चल गया, चलो उसका पीछा करते हैं। और वो बड़ा अफसर उनको बेस में जाने के लिए कहता है और उनका खुद अकेला ही पीछा करता है। सब लोग क्लाइव और ग्रैमी वहाँ से भागने लगते हैं। रूथ के डैड भी वहीं पर होते हैं और उनको वहाँ से भागते देख उनका पीछा करते हैं। क्लाइव और ग्रैमी एक जनरल स्टोर से पटाखे चुरा कर वहाँ से भागने लगते हैं। वो सब लोग सीधा जाकर एक औरत के घर पर जाते हैं। पॉल 60 साल पहले इसी जगह पर क्रैश हुआ था। क्रैश होते समय उसने एक कुत्ते को मार डाला था। एक छोटी लड़की ने पॉल को बचाया था। पुलिस के आने से पहले ही पॉल को उसने चिप से बाहर निकाला था। उस लड़की नहीं छोटी, अब वो बड़ी हो गई थी। उससे ही मिलने के लिए पॉल जाता है 60 साल बाद। वो लड़की से कहता है कि मुझे माफ कर दो। वो लड़की उसे माफ कर देती है। तभी वो कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अफसर आते हैं और उनके घर का गैस लीक हो रहा होता है। और तभी वो अफसर एक गोली चलाता है जिससे कुछ आग लगती है और वो घर ब्लास्ट हो जाता है। और सब लोग घर ब्लास्ट होने की वजह से तुरंत भागने लगते हैं। ग्रैमी और क्लाइव गाड़ी चलाकर उन सबको लेते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। वो अफसर लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर रूथ के डैड भी आते हैं और वो रूथ का पीछा करने लगते हैं। पॉल गाड़ी तेजी से चला रहा होता है
और एक टावर से टकरा देता है जिससे वो टावर नीचे गिर जाता है। वो गाड़ी वैसे ही तेजी से चलाता है और उन सबको चकमा देकर आगे चले जाता है और एक जगह पर जाकर वो पटाखे फोड़ देता है जिससे वो पटाखे आसमान में जाके फूटने लगते हैं। पॉल के साथियों को यहाँ पे आने का संदेश मिल जाता है और उसके साथी वापस आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो अफसर आता है और वो अपनी गन लोड कर रहा होता है। तभी वो लेडी जो इसी अफसर से बात कर रही होती है वो हेलीकॉप्टर से कुछ सोल्जर्स को साथ लेकर पॉल के पास आई हुई होती है पॉल को मारने के लिए। और वो अफसर पॉल के पास पहुंच जाता है और जो उस लेडी ने सोल्जर अपने साथ बुलाए थे उन्हीं को वो मारने लगता है। सब लोग मिलकर उस लेडी को बेहोश कर देते हैं मार के। और फिर रूथ के डैड भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो पॉल पर एक गोली चलाते हैं जिसके सामने ग्रैमी आ जाता है और ग्रैमी की छाती में वो गोली लग जाती है जिससे ग्रैमी नीचे गिर जाता है। पॉल अपने हीलिंग इफेक्ट की पावर से अपनी जान पर खेल के ग्रैमी को जिंदा करता है। पॉल भी अपने हीलिंग इफेक्ट की वजह से ठीक हो जाता है। इस काम में पॉल की जान भी जा सकती थी पर पॉल ने अपने दोस्तों के बारे में सोचा और उसे हील करने के बारे में सोचा। तभी वो लेडी होश में आ जाती है और उन सब पर गोली चलाने वाली होती है। तभी वहाँ पर पॉल का स्पेसशिप आता है उस लेडी को कुचल देता है। वो सभी एलियंस बाहर आते हैं और खून के दाग को साफ करने लगते हैं। पॉल सबसे गले मिलता है और उस लेडी को लेकर अपने घर चले जाता है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।